फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम माय डायरीज। तो आज 21 जून है जो कि इंटरनेशनल योगा डे है। तो योगा डे पे हम सभी योगा करेंगे और योगा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ जो मुझे पता है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी फैमिली योग प्राण विद्या से जुड़ी हुई है। तो हमारे घर में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फॉरगिवनेस, ब्रीदिंग, ये सब कुछ जो कि योगा से रिलेटेड है होता रहता है। तो योगा है क्या? योगा मीन्स केवल ब्रीदिंग या एक्सरसाइज ही नहीं है, योगा मीन्स यूनियन। अब वो यूनियन किससे? आपका, आपके गॉड से, जो कि कई स्टेप में यूनियन होता है। तो हम जब भी योगा करेंगे हम ईश्वर से, हमारा एकाकार होता है, ईश्वर से हम एकत्व में होते हैं। और जब हम ईश्वर से हमारा एकत्व होता है जो कि हमारे परम पिता है, तो हम क्या करेंगे? जिस तरीके से पिता अपने एक बच्चे का संरक्षण करता है, वो राइट पाथ पे चलता है, सेम वैसे ही अगर हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं तो हम राइट पाथ पे चलते हैं। और क्या क्या बेनिफिट होता है योगा से, ये मैं आपको आज थोड़ा बताती हूँ। एक्सरसाइज जब भी हम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, फिजिकल बॉडी फिट होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में चक्रास हैं। जब भी एक्सरसाइज करेंगे हमारे चक्र क्लीन होते हैं, और जब चक्र क्लीन होंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। और ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रेगुलेट होता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है और ब्लड का टॉक्सिन रिमूव होता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन से हम एकाकार होता है गॉड से, और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। तो योगा के और क्या क्या बेनिफिट है? योगा करेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर स्तर पर। आपको बताती हूँ कि मेरे लाइफ में योगा से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, तो आप सबके लाइफ में योगा से क्या क्या फ़ायदा आ सकता है। तो योगा से क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज होता है, और वो भी कई स्तर पे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर स्तर पर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अननेसेसरी थॉट हमारे माइंड में नहीं आएगा। और क्या है, हम लोग दूसरों को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो क्या है ना, हम लोग एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, जो जैसा है ना उसको हम लोग वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, और मेडिटेशन करके ब्लेस करते हैं। वो बंदा ऑलरेडी ब्लेस्ड हो करके राइट पाथ पे रहता है। तो मेडिटेशन के तो बहुत ही फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस आता है, जो कि आसानी से हम लोग किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं ना। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप आसानी से किसी को माफ़ कर सकते हैं। माफ़ी करना किसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो हमारे लाइफ का लक्ष्य क्या है उधर हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने एम पे फोकस करते हैं, हमारे लाइफ का जो लक्ष्य है वो हम अचीव करते हैं। तो योगा से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि नींद आने का लोगों को समस्या है, तो वो आप आसानी से, आप टाइम से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं अगर आप योगा करते हैं। तो योगा के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं हर स्तर पर। तो हमारे जो बिगनर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप योगा करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, टाइम से आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपका रिदम बैलेंस रहेगा लाइफ का। थैंक यू।